फंडामेंटल राइट्स जिनकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी पर्संस को दिए जाते हैं, जिससे सभी इंडिविजुअल के बीच इक्वालिटी डिग्निटी बनी रहे और ये पब्लिक इंटरेस्ट और कंट्री की यूनिटी को भी बनाए रखते हैं। पर कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स और इनसे जुड़े कुछ प्रोविजंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 12 टू 35। पार्ट 3 को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पर क्यों? क्योंकि मैग्ना कार्टा पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसे 1215 में इंग्लैंड में बनाया गया था और फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। पर इन राइट्स को पहली बार लिखा गया था फ्रांस में 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और भारत में इनकी डिमांड पहली बार की गई थी 1931 के कराची सेशन में कांग्रेस के द्वारा। तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तब हमने इंस्पिरेशन ली अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से, और इसीलिए पार्ट 3 इंस्पायर्ड है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? वो इसलिए, जैसे हमारे जीने के लिए हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, और उसी तरीके से एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डिवेलपमेंट के लिए इनका होना भी बेहद ज़रूरी है। इनकी गारंटी और प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ऑरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, पर आज इनके नंबर 6 हैं, जो कुछ इस तरह है। राइट टू क्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमारा एक और राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में हटा दिया गया और इस राइट को ट्रांसफर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 और आर्टिकल 300A में। राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 14 टू 18। ये राइट हमें देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी चाहे रिच हो या पुअर, मैन हो या वुमेन, आप किसी भी कम्युनिटी से आते हो, कानून के सामने सभी समान है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर वर्ग के व्यक्ति को कानून की इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी, किसी के साथ उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आप टेम्पल, होटल, रेस्टोरेंट, किसी भी पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत पर रोक लगा दी गई है। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 19 टू 22। ये राइट आपको 6 तरह की फ्रीडम देता है। पहला, अपने व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ को एक्सप्रेस करने का अधिकार, बिना आर्म्स के पीसफुली असेंबल होने का अधिकार, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार, इंडियन टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली मूव होने का अधिकार, इंडियन टेरिटरी के किसी भी हिस्से में रिसाइड और सेटल होने का अधिकार, कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने का अधिकार। हमारा थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। इसके अकॉर्डिंग फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिक यानी ह्यूमन को खरीदना और बेचना पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्रीज, माइन और किसी भी हैजर्डियस एक्टिविटीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे में काम करने पर पूरी तरह रोक है। इवन 2006 में गवर्नमेंट बैन करती है बच्चों को एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट जैसे जगहों पर काम करना। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसके लिए उसे सजा हो सकती है। हमारा फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। इसका क्या मतलब है? इस राइट के अकॉर्डिंग आपको अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट करने का पूरा अधिकार है। यानी आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं और आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी तरह का टैक्स भी देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा फिफ्थ राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 टू 30। आपको अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है, अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तब भी। साथ साथ माइनॉरिटीज़ को पूरा अधिकार है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने का। एट लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। मान लीजिए आपको दिए हुए अधिकारों का गवर्नमेंट या किसी इंडिविजुअल के द्वारा वायलेशन किया जाता है या इन्हें आपसे छीना जाता है, तब आप क्या करोगे? ये राइट कहता है आप अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। और ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकता है कुछ रिट। ये रिट क्या होते हैं, इन्हें हम समझेंगे किसी और वीडियो में। ये थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो भारत के हर एक सिटीजन को दिए जाते हैं और इसीलिए ये कंट्री की यूनिटी को बनाए रखते हैं।
पर राइट्स के साथ साथ जरूरी है अपने ड्यूटीज को ना भूलना, और इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।